बांग्लादेश की ही बात करते हैं, क्योंकि ऐसा ये कहा जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग देश अगर ना बनता, अगर मुजीबुर रहमान ना होते। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के हित के लिए संघर्ष की मशाल थामे हुए शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने खूब प्रताड़ित किया। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान आजादी मिलने के बाद से बांग्लादेश बनने तक कई बार जेल गए और जिंदगी के करीब 11 साल जेल की काल कोठरी में बिताए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मुजीबुर रहमान की नजदीकी दोस्ती रही। 70 के दशक में मुजीबुर रहमान सरकार पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे और उन्हें तानाशाह कहा जाने लगा। आज से 53 साल पहले शेख मुजीबुर रहमान का भाषण कैसे बांग्लादेश की आजादी की चिंगारी बन गया, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ढाका के रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया और पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया। इस रैली में करीब 10 लाख लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। सबके हाथ में लाठी डंडे थे, जो पाकिस्तान आर्मी से बचाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक थे। शेख मुजीबुर रहमान के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। साल 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के इस भाषण को विश्व के दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता दी। ऐसा कहा जाता है कि मुजीबुर रहमान ढाका के रेसकोर्स मैदान में भाषण दे रहे थे और भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भर रहे थे, चक्कर काट रहे थे। इस भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याना खान ढाका पहुंचे। 23 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा था और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 25 मार्च को ऐसा लगा कि पूरे शहर पर पाक सेना ने हमला बोल दिया हो। यह ऑपरेशन सर्च लाइट था। तब सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान लेकर चले गए। इस पर शेख मुजीब की लगाई चिंगारी पूरे बांग्लादेश में आग की तरह फैल गई। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शेख मुजीब पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और तब शेख मुजीब ने कहा था कि मैं अपनी जनता की सबसे प्रिय मित्र भारत की महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सोनार बंगला में लौट रहा। एक तरफ बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं, हिंसा और प्रदर्शन की तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से बांग्लादेश आक्रोश में है।